हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज ये वीडियो माइन मैनेजमेंट के ऊपर जिसका पार्ट 4 है, जिसे कि आप लोग जानते हैं कि माइन मैनेजमेंट का 3 पार्ट ऑलरेडी मेरा चैनल में अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसी वीडियो को पहले देखें फिर जाके इस वीडियो को देखें, ताकि एक कंटिन्यूटी में हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आधारित है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ साथ बाद में उस रिलेटेड जितना प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, उसका सही आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, कि कैसे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उस अवेलेबल रिसोर्सेस को यूज करके हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है, हमको जो आउटपुट चाहिए उस आउटपुट को अचीव करना, तो इसको ही बोलते हैं मैनेजमेंट और कुछ नहीं। चाहे वो छोटा लेवल में हो या बड़ा लेवल में हो, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उस अवेलेबल को कैसे इफ़ेक्टिवली यूज करके हमारा डिजायर्ड जो भी हमारा गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव कर पाना, तो ये जो प्रोसेस को ही मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शंस क्या क्या है, ये तो हो गया कंसेप्ट, तो ये मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या क्या है, कैसे मैनेज कैसे किया जाता है, तो इसका 6 फंक्शन रहता है। क्या क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये है उसका फंक्शंस। मतलब इसी सब स्टेज को, ये सब फार्मूला को अप्लाई करते हुए मैनेज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले आते हैं प्लानिंग के ऊपर। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब होता है कि जो फ्यूचर एक्शंस है उसको आउटलाइन करना, यानी कि प्लानिंग का मतलब है कि हम फ्यूचर में, भविष्य में हम क्या क्या करने वाले हैं उसको लिस्टिंग करना, कि इन टोटल में हमको फ्यूचर में ये काम करना है। ठीक है, ये इसको ही बोलते हैं प्लानिंग। ये क्लियरली इस चीज़ से हमको समझ में आ जाता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब तक करेंगे और कौन करेगा, ये प्लानिंग स्टेज में क्लियर हो जाता है। अगर हमको पता चल जाएगा कि भविष्य में मेरे को ये चीज़ करना है, तब उसको हम इजीली उसको हम डिवाइड कर पाएंगे कि कौन करेगा, अगर करना है तो कौन करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग स्टेज में क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर भी इसको और डिटेलिंग में समझने के लिए प्लानिंग जो स्टेज को कुछ स्टेप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या क्या? पहले आता है प्लानिंग करने से पहले फोरकास्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फोरकास्टिंग मतलब क्या है? फोरकास्टिंग एक सेंस है जिसमें कि विजुअलाइज करना पड़ता है कि फ्यूचर में इसका ट्रेंड्स क्या होगा, इसका प्रस्पेक्टिव क्या होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक अगर बिजनेस का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी बना रहा है साबुन। ठीक है, हाथ धोने के लिए एक साबुन बना रहा है। ठीक है, वो अगर विजुअलाइज नहीं कर पाएगा कि ये साबुन कब तक चलेगा, इसके बाद इसका सब्स्टिट्यूट तो कुछ नहीं आ जाएगा। अगर हमको लग रहा है कि ये 10 साल, 20 साल, 15 साल या 30 साल चलेगा, इसके बाद और साबुन नहीं चलेगा, साबुन के जगह हाथ धोने के लिए फिर हैंड वॉश आएगा, फिर देखेगा नहीं हैंड वॉश का भी एक ज़माना रहेगा, इसके बाद हो सकता है कि और कुछ आ जाए, जैसे बहुत हैंडी चीज़ कुछ आ जाए, हमको तो हम तो हैंड वॉश पॉकेट में लेके घूम नहीं सकते, तो और जैसे एक आता है ना पेपर टाइप का, एक आता है साफ फोम निकलता है वहाँ से, उस पेपर को थोड़ा पानी देके घिसने से, तो उस टाइप का चीज़ है। यानी कि फ्यूचर में इसका ट्रेंड्स, इसका जो क्या बोलते हैं कि डिमांड कैसा रहेगा, उस प्रस्पेक्ट को विजुअलाइज कर पाना को फोरकास्टिंग बोलते हैं। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है ना कि अगले 3 दिन बारिश होगा, यानी कि इसका मतलब नहीं
कि वो बोल रहा है मतलब बारिश होगा, लेकिन होने का चांस है, वो उसका इंडिकेशन ये मतलब कहीं से कहीं ना कहीं ये लोग जो भी मेथड अप्लाई करके, वो तो अब आजकल तो सब मतलब क्या बहुत सारे वेदर मॉनिटरिंग मशीन हुए उसके ऊपर वो लोग फोरकास्टिंग करते हैं। उसी टाइप का बिजनेस में भी मान लीजिए आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम देने के लिए, मान लीजिए इसका ही एग्जांपल देते हैं, ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल के तौर से भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अभी फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम मेरे को कंप्लीट करना है, अगर आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि अगर ये फर्स्ट क्लास को मैं दो साल के अंदर कंप्लीट कर देता हूँ तो मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं दो साल में नहीं कर पा रहा हूँ 4 साल के बाद कर पा रहा हूँ तो मेरे को कितना लॉस होगा, इसको अगर फोरकास्टिंग नहीं कर पाएंगे तो आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए आज एक ज़माना था जिसके पास फोरमैन सर्टिफिकेट भी था, उसका बहुत ही मतलब क्या वो एक स्पेशल आदमी होता था, हाँ ये फोरमैन है। आजकल के ज़माने में फोरमैन का कोई ही वैल्यू ही नहीं। उसी तरह एक ज़माना था सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होने से उसको बोलते बहुत ही एजुकेटेड आदमी, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट इसके पास है, लेकिन आज का दिन में देखिए सेकेंड क्लास का तो छोड़िए फर्स्ट क्लास आदमी इतना सारा है उसका भी धीरे धीरे वैल्यू डिग्रेड हो रहा है। तो अगर जो पुराने लोग मतलब जो अभी सर्विस में हैं वो लोग उस टाइम को विजुअलाइज नहीं कर पाते उस वक्त में, तो वो बेनिफिट आज पा जो लोग ले रहे हैं फर्स्ट क्लास करने का पहले से और एक पोस्ट मिल गया है उनको, तो वो बेनिफिट हो सकता है कि आज उनको ना मिलता उनके पास फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट रहते हुए भी। तो ये चीज़ होता है फोरकास्टिंग, यानी कि विजुअलाइजिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, ये मैनेजमेंट का प्लानिंग स्टेज का एक पार्ट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि एग्जैक्टली हमको क्या गोल अचीव करना है, वो सेटिंग करना, उस जो सेटिंग किया जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लीजिए कि जैसे साबुन वाला मैं एग्जांपल दे रहा था, हमको एक ट्रेंड मान लीजिए हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि ये साबुन वाला जो चीज़ है वो 15 साल चलेगा, इसके बाद फिर मतलब ये पुराने टाइम में जो बिजनेसमैन है मान लीजिए उनका दिमाग में ये रहता होगा, वो ज़रूर भी ऐसे फोरकास्टिंग कर रहे होंगे कि मेरे को 10 साल बाद इसका धीरे धीरे डिमांड घटेगा, इसके बदले फिर वो आ जाएगा, ये भी चलेगा लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ इसका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, तो उस वक्त में मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है, उस टाइम में मैं ये करूँगा तो ये बिजनेस भी चलेगा, उसके साथ जो नया सब्स्टिट्यूट आएगा उसको भी रन कर सकता हूँ, तो साबुन भी जितना बिजनेस हुआ हुआ, नहीं तो हैंड वॉश भी जितना बिजनेस होगा वो उसमें भी मैं फेल्योर नहीं हूँगा, मैं वो दौड़ में रहूँगा जो मेरा कंपटीटर के साथ साथ मैं भी कंपीट करते रहूँगा, नहीं तो क्या होगा बाकी कंपटीटर आगे चले जाएंगे मैं पीछे रह जाऊँगा। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना कि एग्जैक्टली मेरे को करना क्या है, कब तक करना है, कौन करेगा, जो जो गोल सेटिंग को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेट करना, ठीक है। जिस जो गोल हम सेट कर लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा माइनिंग का कैसे ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक एक्सकेवेटर चला रहे हैं, 2 गाड़ी लगे 4 गाड़ी लगे हमको कोई मतलब नहीं है, एक्सकेवेटर चल रहा है 8 घंटा से 7 घंटा मेरा रनिंग आवर मिला, लेकिन ठीक है 7 घंटा हम चला लिए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 7 घंटे चला के जो डिजायर्ड आउटपुट जितना TPH हमको मिलना चाहिए था उस एक्सकेवेटर से वो मिल रहा है कि नहीं, तो इस कैसे पता चलेगा, पहले हमको एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ेगा कि मेरा अगर 4 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी वाला एक एक्सकेवेटर है कोई भी कंपनी का है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसका मिनिमम 400 TPH आना चाहिए, मैं एक एग्जाम्पल के तरफ से बोल रहा हूँ। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव हम फिर फिक्स कर दिए, इसके बाद फिर हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे कि 400 मिल रहा है कि नहीं, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन हम लेंगे कैसे 400 पहुँचाना है। तो जब तक ऑब्जेक्टिव ही फिक्स नहीं करेंगे तो हम कैसे पता चलेगा, हमको खाली ये दिखेगा कि मशीन चल रहा है, ट्रिप निकल रहा है, लेकिन कितना मिलना चाहिए उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करने के बाद ना पता चल जाए कि हाँ ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये परफॉर्मेंस मिलना चाहिए जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मिल रहा है कि नहीं। जब ऑब्जेक्टिव ही फिक्स नहीं करेंगे तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फिक्स करना भी एक प्लानिंग का पार्ट है। नेक्स्ट है पॉलिसीज। पॉलिसीज एक ब्रॉड सेंस का एक रिटेन डॉक्यूमेंट, ब्रॉड सेंस इन द सेंस की जो कि गवर्निंग रूल बोल सकते हैं पॉलिसी, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना इसका पॉलिसी ठीक नहीं है,
इसका नेचर ठीक नहीं है। जैसे एक इंडिविजुअल के लिए हम बोलते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, नहीं इसका नेचर ठीक नहीं है, जैसे वो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए बोलते हैं, उससे उसी तरह पॉलिसी मतलब एक बिजनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का उसका जो प्रिंसिपल वो हो गया पॉलिसी। वो एक रिटिन डॉक्यूमेंट रहता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस प्रिंसिपल के साथ काम करता है या काम करेगा, चाहे जो भी हो जाए। जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी रहता है कि नो हार्म एनी होया टू एनीवन, यानी कि चाहे मेरा प्रोडक्शन बंद हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन कोई मेरा एम्प्लॉय को किसी भी जगह पे किसी ऑपरेशन के दौरान हार्म नहीं होना चाहिए, ये मेरा सोच है। चाहे सेफ्टी के लिए मैं कुछ कितना भी पैसा मेरे को खर्चा करना पड़े, मैं उसमें ये नहीं करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। तो ये होता है उसका जो प्रिंसिपल कंपनी का, उसको बोलते हैं पॉलिसी, जो कि एक रिटिन डॉक्यूमेंट होता है। तो ये प्लानिंग स्टेज का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स मतलब एक कंक्रीट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट किए उसको अचीव करने के लिए हमको कब मतलब क्या क्या करना है, ये है प्रोग्राम। जैसे हम प्रोग्राम सेट करते हैं ना, छोटा सा मान लीजिए फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, तो उसमें ये होगा, हल्दी होगा, ये होगा, उसके बाद बारात जाएगा, ये होगा, जो फिक्स करना है कि मतलब क्या क्या हमको करना है एग्जैक्टली। उसी तरह बिजनेस में भी, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन करने से तो नहीं होगा ना, प्रोडक्शन के बाद सही जगह पे मटेरियल डिस्पैच हो रहा है कि नहीं, उसका यूटिलाइजेशन सही हो रहा है कि नहीं, हमारा डिमांड के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, तो कैसे क्या क्या हम लोग करेंगे, सब जो जितना भी हमारा एक्शन होगा उसको सेट करना को बोलते हैं प्रोग्राम। इसके बोलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल मतलब ये जो प्रोग्राम हम सेट किए कि ये हमको करना है, वो कब करना है, किसके द्वारा करना है, और उसका मतलब टाइमलाइन क्या है, ये है शेड्यूल, कितना दिन के अंदर करना है, इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। तो ये भी एक प्लानिंग स्टेज का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब मेथड ऑफ डूइंग वर्क, कैसे करेंगे, मतलब उसका वे ऑफ डूइंग वर्क होता है प्रोसीजर। तो इसको भी प्लानिंग स्टेज में हमको फिक्स करना है। जैसे हमारा माइनिंग मेथड काफ़ी टाइप का है, हम क्योंकि माइनिंग रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी हम लोग एग्जांपल के तौर से बात कर सकते हैं। मान लीजिए हमको एक माइनिंग करना है, बॉक्साइट माइनिंग करना है या फिर आयरन माइनिंग करना है, तो उसमें हमारा प्रोसीजर क्या होगा, मतलब किस टाइप का हम लोग ड्रिलिंग मेथड यूज करेंगे या कौन सा मशीनरी यूज करेंगे, ठीक है, तो वो सब कैसे करेंगे, मतलब उसका मेथड क्या है, उसको बोलते हैं प्रोसीजर। लास्ट में आता है बजट। ये सब तो हो गया, लेकिन इसके लिए पैसा कितना खर्चा होगा और मैं कितना खर्चा कर पाऊँगा, ये होता है बजट। जैसे अभी बजट पास हुआ है, बजट मतलब किस चीज़ में हम कितना पैसा खर्चा कर सकते हैं, मेरा लिमिट क्या होगा, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जहाँ ज़रूरत होगा उधर हम बोलेंगे ना पैसा नहीं है अभी नहीं कर सकते, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बह रहा है पैसा। तो बजटिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि प्लानिंग स्टेज में होता है। तो ये जो सारे स्टेप्स है ये प्लानिंग स्टेज का एक एक पार्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग स्टेज का। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग तो हो गया, अभी ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मतलब क्या है, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ एक्शंस, यानी कि जो जो काम हम लोग डिसाइड किए प्लानिंग स्टेज में उसका अरेंजमेंट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, इस ये होगा, इस पहले होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी 15 अगस्त आ रहा है, हम प्लानिंग स्टेज में प्रोग्राम बना लिए कि हम पहले फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे, एक छोटा सा पैरेड कंपटीशन करेंगे, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नहीं तो नेशनल एंथम बच्चों से गाने के लिए बोलेंगे, या फिर एक इंडिपेंडेंस डे ऑफ स्पीच कंपटीशन करेंगे, ये सब करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि पहले क्या होगा, ये होगा, जैसे जो शेड्यूल बना लिया उस शेड्यूल को इफेक्टिवली कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, वो ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में होता है। उसके लिए 6M का ज़रूरत पड़ता है। 6M क्या क्या है, मनी, मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केटिंग एंड मैनेजिंग, यानी कि वो प्लानिंग को
एग्जीक्यूशन करने के लिए हमको सिक्स एम क्या क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, मेन यानी कि आदमी चाहिए, मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग इन द सेंस कि उसको प्रमोशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम प्रोडक्शन कर लिए बहुत अच्छा TPH के साथ, बहुत अच्छा TKM के साथ परफॉर्मेंस पूरा बेस्ट प्रोडक्शन कर लिए, लेकिन उसको अगर हम सेल नहीं कर पाएंगे, आयरन हमारा माइंस में पड़ा रहेगा, तो ये सब का क्या मतलब, पैसा कहाँ से आएगा। तो जितना प्रोडक्शन जैसा अच्छे से प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्शन कर लिए, उस तरीका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए सेल करने के लिए, उसके मार्केटिंग करने के लिए, तब जाके बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये जो सब मैनेज करना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्या क्या, जैसे एक्टिविटीज डिटर्मिनेशन क्या क्या करना है, स्टाफ रिक्रूटमेंट कौन करेगा, सही जो जितना जिसका तजुर्बा चाहिए, जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उस टाइप का आदमी है कि नहीं, नहीं है तो हम कैसे रिक्रूटमेंट करें, कहाँ से लाएंगे, किस कॉलेज में इंटरव्यू करेंगे, या फिर क्या क्राइटेरिया मेंशन करके हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो ये सब रिक्रूटमेंट का पार्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। फिर वर्क एलोकेशन यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, सही आदमी को सही काम नहीं देंगे तो मतलब एक इफेक्टिव रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो जॉब एलोकेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्लानिंग स्टेज का पार्ट है, लेकिन ये सॉरी जो कि मैनेजमेंट का पार्ट है लेकिन ऑर्गेनाइजिंग का ये पार्ट है। फिर पावर डेलीगेशन, अगर गलत आदमी को पावर दे दिए तो फिर सब तो सत्यानाश करके रख ही देगा, और जो एक्चुअल कैपेबल आदमी नहीं है उसको भी पावर दिए तो गड़बड़ है, और जो बहुत कैपेबल आदमी है उसको अगर पावर नहीं दिए तो भी गड़बड़ है। तो पावर डेलीगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑर्गेनाइजिंग स्टेज का एक पार्ट है। नेक्स्ट अथॉरिटी एंड ड्यूटी डिटर्मिनेशन, यानी कि अथॉरिटी, अथॉरिटी एक अलग चीज़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग चीज़ है, जिसके बारे में हम पार्ट वन में ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल देके डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको समझना है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, आप प्लीज माइंड मैनेजमेंट का पार्ट वन फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कशन हुआ है, आप उसमें समझ जाएंगे। तो ये सारे जो चीज़ है, ये है ऑर्गेनाइजिंग का एक एक स्टेप्स, इस ये सब करते हुए ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में क्या था, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या, डायरेक्टिंग कंसिस्टिंग इन गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स है उनको गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, वो होता है डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्शन देना। जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए आप देखे होंगे, ये तो हमारा माइनिंग का एग्जांपल हम नहीं दे, क्योंकि बार बार वही माइनिंग में हम घिसे पिटे नहीं रहेंगे, हम पूरा दुनिया में सब टाइप का एग्जांपल देंगे तो मज़ा भी आएगा और इजीली समझ में भी आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक खाना बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग फीस्ट करते हैं या पिकनिक करते हैं, आदमी मान लीजिए आजकल तो हो गया कि नहीं, कुक बुला के हम बना दे रहे, वो वाला पार्ट नहीं, उसमें तो हम देखते भी नहीं हो क्या बना रहा, हम सीधा घूमते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, वो वाला पार्ट नहीं। मान लीजिए हम चार पांच दोस्त मिलके एक जगह पे मनवा आज खाना बना रहे, तो बनाता एक आदमी है लेकिन बाकी लोग उसके साथ खड़ा होकर डायरेक्शन देते रहे, अरे ये थोड़ा काट दो, प्याज थोड़ा डाल दो, ये कर दो। तो इसमें क्या होता है कि सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जो कर रहा है, जो आदमी एक्चुअली खाना बना रहा है, उसका भी मतलब उसको भी एक सुपरविजन हो जाता है कि कुछ गलती तो नहीं हो रहा है। जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वो लोग कुछ लोग होते हैं कि वो खाना खुद नहीं बनाते हैं लेकिन उनको जानकारी बहुत सारे रहते हैं, वो लोग अरे ये डाला कि नहीं, इसके बाद ये डाल दो, तो इसमें खाना अच्छा बनता है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्शन अगर अच्छा होगा तो जो परफॉर्मर है वो खुद अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। तो हमेशा जो सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर गाइडिंग और सुपरविजन का ज़रूरत है, जो कि डायरेक्शन के डायरेक्टिंग का अंदर आता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग स्टेज में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है, जैसे इशू ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शन को एक जगह पे लिखित लाके इसके बाद ये करना है, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वगैरह हो गया। ये तो एक मतलब सेफ्टी पर्सपेक्टिव में हो गया बात, लेकिन आज आपको ये चीज़ करना है, उसको इंस्ट्रक्शन पूरा क्लियरली मेंशन करके दे दिए, ठीक है।
तो ये भी डायरेक्शन का एक पार्ट है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट्स, यानी कि जिसको लगा कि नहीं ये सबॉर्डिनेट्स तो अच्छा बहुत है लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग का ज़रूरत हो रहा है, तो उसको ट्रेनिंग अरेंजमेंट करके उसको गाइड करना। ट्रेनिंग ट्रेनिंग मतलब ये नहीं कि हम क्लासरूम ट्रेनिंग का बात बोल रहे हैं, उस साइट पे भी जहाँ काम हो रहा है, देखो ये तुम ये गलती कर दिया, अगर इसको तुम ये कर लेते तो अच्छा हो जाता, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो दो चार बातें होता है ना यही डायरेक्शन है और कुछ नहीं। नहीं तो आप देखे होंगे ये तो जो हम तो अभी किताबी बात डिस्कस कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, जो मान लीजिए हम सुपरविजन कर रहे हैं माइनिंग में, मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, जो जो डोजर चला रहा है, जो एक्सकैवेटर चला रहा है, जो ग्रेडर चला रहा है, जो पे लोडर चला रहा है, वो लोग बहुत एक्सपीरियंस और लोग रहते हैं, तो वो लोग को मालूम है कि कैसे बकेट कहाँ पे लगाना है, टीथ कहाँ पे डालना है, क्राउडिंग कब करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना, सब कुछ उनको पता रहता है, तो फिर हम उधर क्यों खड़े रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसको बोलता रहना, इंस्ट्रक्शन देना, ये डायरेक्शन नहीं है। ये जो दो चार बातें उसको, मान लीजिए कि वो उम्र से बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस्ड है आपसे, ये है, तो उसको किस टाइप का बात करने से आपका पर्पोज सॉल्व हो जाएगा, आप जो बोलना चाहते हैं, जो कन्वे करना चाहते हैं, वो भी उसको भी बुरा नहीं लगेगा, और आप जो चाहते हैं कि नहीं ये थोड़ा उनसे गलती हो रहा है, या फिर गलती तो नहीं हो रहा है लेकिन इसके बदले अगर इस टाइप का करते तो और अच्छा रिजल्ट मिलता, तो ये कैसे बताऊँगा, यही तो डायरेक्शन है, यही तो मैनेजमेंट है। तो ये सब डायरेक्शन का एक एक पार्ट है, ठीक है। सबॉर्डिनेट्स का वार को सुपरविजन करना, उनको जहाँ ज़रूरत गाइड करना, उनको अगर रिटिन इंस्ट्रक्शन चाहिए तो इंस्ट्रक्शन लिख के देना कि ये तुमको करना है, ये सब डायरेक्टिंग का एक पार्ट है जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब, कंट्रोलिंग का मतलब यह है कि टैली करना कि हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो एक्चुअली फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं पहले बताया कि मान लीजिए कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहता है हर चीज़ में, हर मशीन का अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहते हैं, जैसे सोबेल का TPH, डंपर का TKM, उसी तरह ब्लास्टिंग का पाउडर फैक्टर हो गया, बहुत सारे रहते हैं, ये जस्ट मेन मेन मैं बोल रहा हूँ। MT मैकेनिकल वालों का MTVF है, मैंने कहा PI है, पावर फैक्टर है, चार्ज फैक्टर है, बहुत सारे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वो क्या है, वो सब हमको ये शो करता है कि हमारा जो डिजायर्ड टारगेट क्या था और एक्चुअल रिजल्ट क्या मिला, हम इसको कंपेयर करने के लिए ये एक एक टूल है। तो कंट्रोलिंग का मतलब हमारा जो डिजायर्ड टारगेट था और एक्चुअली में हमको जो मिला उसको कंपेयर करना। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, पहले तो स्टैंडर्ड वर्क एस्टेब्लिशमेंट करना, यानी कि क्या हुआ स्टैंडर्ड वर्क, मतलब कि हमारा को चाहिए क्या। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा इस साल का पाउडर फैक्टर 9.5 आना चाहिए ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये मतलब हम स्टैंडर्ड फिक्स किए कि हमारा डिजायर्ड टारगेट है पाउडर फैक्टर 9.5 हमको आना चाहिए। इसके बाद जब साल ख़त्म हो जाएगा, एक्चुअल हम असेसमेंट करेंगे कि हमको मिला कितना, अगर मान लीजिए 8.2 मिला या 8.5 मिला, मान लीजिए तो 9.5 मिलना चाहिए था, 8.5 मिला, तो क्यों मिला, इसके लिए कि डेविएशन कितना हुआ, उसके लिए हम क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, कहाँ गलती हो गया, क्या क्या चीज़ को हम ध्यान में रखे नहीं, तो ये सब चीज़ जब एनालिसिस करेंगे तब ना उसका कुछ करेक्टिव एक्शन मिलेगा, फिर टाइमलाइन फिक्स करेंगे कि कब तक करेंगे, कौन करेंगे, किस प्रोसेस में करेंगे करेंगे, फिर इस बार ठीक है हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला लेकिन ये सब काम करेंगे तब जाके नेक्स्ट ईयर तो सुधरेगा, हम बेहतर होंगे, हमारा टारगेट के पास पहुंचेंगे। तो ये जो सारे काम है यही है कंट्रोलिंग और कुछ नहीं, जो कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट जो पार्ट को बोलते हैं मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग मतलब कि इफेक्टिव रिजल्ट कब मिलेगा, जब इफेक्टिव एक्शन होगा, इफेक्टिव एक्शन नहीं होगा तो इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। तो इंस्पायर करना इफेक्टिव एक्शन के लिए वो होता है मोटिवेटिंग, यानी कि अपना सबॉर्डिनेट्स को हमको इंस्पायर करना है, उसका दिमाग में बैठाना है कि हम ये हम क्यों तुम ये जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक कहानी है जो याद आ रहा है अभी, तो मतलब वो बताऊंगा तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर भी शॉर्टली बता दे रहा हूँ, उसका जिस्ट बता दे रहा हूँ। एक आदमी को अगर हम बोलेंगे तुम पत्थर तोड़ो, इतना ही बोल दिए,
ठीक है, तो उसमें तो कुछ इंस्पिरेशन नहीं, कुछ नहीं है, वो एक जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, मेरे को पत्थर तोड़ना है। तो वो क्या करेगा, एक हमार लेगा, पत्थर तोड़ेगा। उसका साइज क्या होगा, कि उसके क्या मतलब, उसको तो बोला गया पत्थर टूटने के लिए, लेकिन खाली उसको अगर थोड़ा सा बात करके, नहीं हमको एक एक भगवान जी का एक मूर्ति बनाना है, तो ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, इसको अगर थोड़ा थोड़ा साइड में ठोक के इसको अगर आप निकाल देंगे या पत्थर को तोड़ देंगे, तो इसे छोटे छोटे भगवान का मूर्ति बनाएंगे। तो इतना बात अगर बोल देंगे, उसको इंस्पायर करेंगे, नहीं भगवान का मूर्ति बनेगा, हमारा अल्टीमेट रिजल्ट है भगवान का मूर्ति यहाँ से बनेगा, तो वो जब हथौड़ा मरेगा पत्थर के ऊपर, उसका दिमाग में भी यही चीज़ रहेगा, नहीं ये भगवान जी के लिए मूर्ति बनने वाला है, तो मैं कहाँ पत्थर ठोकूँ ताकि ज़्यादा टुकड़ा ना हो, हमको खाली ये क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, इसको दो तीन या तीन पीस करना है, जैसे कि दो तीन मूर्ति बन जाएगा। मैं अगर इतना जोर से ठोक दूं तो सब छोटा छोटा हो जाएगा, बीच में एक छोटा सा रहेगा, एक ही मूर्ति बन पाएगा, बाकी सब वेस्टेज है। उसका दिमाग में जो एक इंस्पिरेशन मिल गया, उसमें उसका एक्शन चेंज हो जाएगा, और वो जो एक्शन में दिखने लगेगा, वो रिजल्ट भी उसी तरीके से हमको मिलेगा। तो ये जो साइकोलॉजिकल उसका दिमाग में बैठा देना, एक इंस्पायर कर देना, यही होता है एक मोटिवेशन का एक मतलब फंडामेंटल्स। ठीक है, तो ये मोटिवेशन बहुत सारे एक तरीके से हो सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दिया, इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन भी एक मोटिवेशन। मान लीजिए कि अच्छा वेज देगा कोई कंपनी, हम लोग जाते हैं ना चेंज करते हैं कंपनी, क्यों, अच्छा अगर वेजेस मेरे को मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है, प्रोमोशन का स्कोप है, वेलफेयर मेजर्स बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन। और होता और एक होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मतलब इमोशनल फीलिंग के साथ जुड़ जाना, सेंटिमेंटली जुड़ जाना, दूसरे आदमी का फीलिंग को समझना। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए एक ऑपरेटर जो कि ड्यूटी में आया है, वो अच्छा ऑपरेटर है, लेकिन मान लीजिए वो एक दिन बहुत पुअर लोडिंग दे रहा है, बहुत स्लो लोडिंग दे रहा है, बहुत अच्छा मटेरियल है, कंडीशन पूरा आइडियल है, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दे रहा है, उसको हम डांटने बजाय, उसके ऊपर गुस्सा होने बजाय खाली बात करें, क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम तो हमेशा अच्छा काम करते हो, कैसे आज के तबीयत ठीक नहीं, तो थोड़ा नहीं तो बैठो, मैं दूसरा आपको बैठ देता हूँ, पानी पीना है क्या, नहीं तो बैठो। ये जो उसका इमोशनली उसके साथ जुड़ना, सेंटिमेंटली जुड़ना, अपना फीलिंग, उसका फीलिंग को समझना, ये उसको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देता है। हो सकता है वो दिन वो उसको रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यही बात उसका दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, और नेक्स्ट जब उसका बॉडी फिट होगा, देखना यही बात कितना डिफरेंस लाएगा उसका एक्शन में, उसका बिहेवियर में, सब चीज़ में। तो ये होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और एक होता है सोशियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। सोशियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मतलब सोशल प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, जैसे अवार्ड वगैरह देते हैं, मंथली एक अवार्ड दे देंगे, ये बेस्ट 50% है, बेस्ट प्रोडक्शन क्या है, तो ये जो रिकॉग्निशन टू वर्कर है, सोशल प्रेस्टीज है, ये होता है सोशियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो ये सब है मोटिवेशन, मोटिवेशन का एक एक स्टेप्स। ठीक है, तो मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेशन के बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या है, सब तो हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, मोटिवेटिंग हो गया, फिर कोऑर्डिनेटिंग क्या है। कोऑर्डिनेटिंग मतलब अचीविंग टीम एक्शन। टीम एक्शन मतलब जैसे क्रिकेट में होता है, ठीक है, कोई एक अच्छा बैट्समैन बहुत अच्छा खेल दिया, मतलब 80-90 बॉल में 200 मार दिया, लेकिन बॉलर अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो क्या मैच जीत पाएंगे क्या, तो क्या फ़ायदा एक अच्छा बैट्समैन खिला के। इसका मतलब है कि जो टीम एफर्ट मिलता है तब जाके टीम सक्सेस मिलता है, तो वो टीम एफर्ट कोऑर्डिनेशन के वजह से बनता है। और कोऑर्डिनेशन अपने में से, कोऑर्डिनेशन यानी कि एक बॉन्डिंग, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस हो सकता है, एक मैन टू मैन हो सकता है, सुपरियर टू सबऑर्डिनेट हो सकता है, ये जो टीम वर्क है वो होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि एक काम में हम एक ही कैटेगरी का आदमी नहीं रहते हैं, उसमें सबका मतलब बिहेवियर अलग रहता है, सबका एजुकेशनल स्टैंडर्ड अलग रहता है, सबका वे ऑफ थिंकिंग अलग रहता है, तो ये जो न्यूमरस पर्सन एट वर्क के वजह से कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़रूरत होता है। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क यानी कि सब काम, सब आदमी का काम एक जैसे नहीं होता है, कोई आदमी कौन सा आदमी से क्या काम लेना है, उसको क्या बोलना है, वो किस टाइप का रिएक्ट करेगा, या फिर
उसका मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करने से हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये सब एनालिसिस करके सही आदमी को सही काम देना, एक कोऑर्डिनेशन नहीं बैठाने से, जैसे मान लीजिए एक मैकेनिकल वे में समझते हैं, मान लीजिए एक बेल्ट से दूसरा बेल्ट को हमको माल गिराना है, जैसे मान लीजिए एक जगह पे दूसरा जगह पे डिलीवरी देना है थ्रू बेल्ट कन्वेयर, तो उतना लंबा तो नहीं हो पाएगा, तो एक बेल्ट गया, एक बेल्ट का जो डिलीवरी पॉइंट में दूसरा बेल्ट का इंटेक पॉइंट मान लीजिए है, तो अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा दोनों बेल्ट में तो क्या होगा कि पहला बेल्ट का मटेरियल आया वो गिरा दूसरा बेल्ट में, लेकिन उसका कैपेसिटी ही उतना नहीं है, जहाँ से मटेरियल आ रहा है उसका मटेरियल का जो हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और जो जिससे गिर रहा है जो सेकेंडरी बेल्ट कन्वेयर हो गया उसका मान लीजिए कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा क्या, मेटल तो सब नीचे गिरेगा, ये होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक स्टेज का दूसरे स्टेज से, एक आदमी का दूसरा आदमी से, सुपीरियर का सबॉर्डिनेट से, तो ये इसके ये सब चीज़ को मतलब कोऑर्डिनेशन करने से जाके हमको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और एक एग्जीक्यूटिव और स्पेशलिस्ट के बीच में हमेशा डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कुछ सुपीरियर बॉस है जो एग्जीक्यूटिव है और कुछ जूनियर लोग है जो कि वर्कर लेवल में है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव जो है उसको इसका मतलब क्या पावर तो नहीं बोल सकते, उसका काम करने का मतलब वो ज़्यादा काम कर लेगा, इफेक्टिवली कर लेगा, और जो वर्कर है वो नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं होता। बहुत सारा एग्जाम्पल आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में, सभी ऑर्गेनाइजेशन में और हर जगह पे है, ये कुछ स्पेशलिस्ट रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव नहीं है लेकिन वो एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा काम कर पाएंगे, उतना एबिलिटी उनके पास है, और कुछ एग्जीक्यूटिव है उनके वो एग्जीक्यूटिव है, थियोरिटिकल उनका नॉलेज बहुत है लेकिन प्रैक्टिकल एबिलिटी उनके पास कम है, ये डिफरेंशिएशन रहता है, और इसको मतलब हमको कॉम्प्रोमाइज करके काम करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे, यही है कोऑर्डिनेशन, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना है, स्पेशलिस्ट से हमको कैसे काम निकलवाना है, तो ये सब चीज़ है कोऑर्डिनेशन का मतलब पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये सब जितना हम डिस्कस किए ये सब कोऑर्डिनेशन का पार्ट है और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो क्या क्या है फंक्शन मैनेजमेंट, दोबारा दोहरा रहा हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो हम लोग सब अच्छे से समझ लिए एक एक करके, अभी इस जितना भी हम लोग अभी तक डिस्कस किए इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मेकिंग एक्शंस कन्फर्म टू प्लान रिफर्स टू डैश, मेकिंग एक्शंस कन्फर्म टू प्लान रिफर टू डैश, क्या है ये, समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन पढ़ के ही दिमाग खराब हो गया शायद क्या है ये, मेकिंग एक्शंस कन्फर्म टू प्लान, यानी कि प्लान के हिसाब से, प्लान को कन्फर्म करते हुए एक्शन हम डिसाइड करने को क्या करते हैं, यानी कि जो प्लान हम लोग बनाए हैं, प्लान बनाए हैं मतलब वो प्लानिंग स्टेज में हो चुका है, अभी उस प्लान को मुताबिक उसको कंफर्म करते हुए, यानी कि प्लान जो किया गया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्शन हम लोग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मोटिवेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। अभी अभी हम लोग डिस्कस किए कंट्रोलिंग मतलब क्या है, कंट्रोलिंग मतलब कि हमारा जो प्लान था, जो ऑब्जेक्टिव था, इतना हमको अचीव करना है, हम एक्चुअली कितना अचीव कर रहे हैं इसको जो कंपेयर करने को कंट्रोलिंग बोलते हैं, वही चीज़ तो इसमें भी लिखा हुआ है, यही है। देखिए जैसे मैं बोला ना कि रट्टा मार के मैनेजमेंट को हम वो क्राफ नहीं कर सकते, उसका बेसिक समझ के जाके हमको हम आंसर दे पाएंगे, नहीं तो हम सब पढ़े होंगे लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हम सोचेंगे नहीं ये मैं नहीं पढ़ाऊँ, आप पढ़ें लेकिन आप बेसिक नहीं समझ रहे, फंडामेंटल नहीं समझ रहे, और इसीलिए ही ये सब वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेकिंग एक्शंस कन्फर्म्स टू प्लान रिफर टू कंट्रोलिंग, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डैश मीन्स इंस्पायरिंग वर्कर्स टू डू वर्क विथ जील एंड सिंसियरिटी एंड हैंस विथ एफिशिएंसी, किसका मतलब है, लोगों को इंस्पायर करना टू डू वर्क विथ जील एंड सिंसियरिटी, सिंसियरिटी के साथ, जील के साथ लोगों को काम करने के इंस्पायर करने प्रोसेस को क्या कहते हैं,
ये तो पूरा बहुत ईजी है। मोटिवेटिंग, लोगों को मोटिवेट करना। मोटिवेट करने का मतलब क्या है? लोगों को इंस्पायर करना, अभी हम लोग डिस्कस किए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोटिवेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनिशिएटिंग एंड गाइडिंग एक्शन इन मैनेजमेंट रिफर्स टू डैश। इनिशिएटिंग एंड गाइडिंग एक्शन क्या है वो? इनिशिएटिंग एंड गाइडिंग एक्शन, समझ रहे हैं ना? देखिए, ये बेसिक समझने से एक क्वेश्चन को समझ पाएंगे, इसलिए हमेशा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इनिशिएटिव लेना और गाइडिंग एक्शन, गाइड करना लोगों को, क्या है ये? गाइड करना मतलब डायरेक्शन देना, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए। तो इनिशिएटिंग एंड गाइडिंग एक्शन रिफर्स टू डायरेक्टिंग, जो कि ऑप्शन सी में है। डायरेक्टिंग, इनिशिएटिंग एंड गाइडिंग एक्शन इन मैनेजमेंट रिफर टू डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड प्रिंसिपल और रूल्स टू गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज एट डैश। बोर्ड प्रिंसिपल और रूल टू गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज एट डैश क्या है? बोर्ड प्रिंसिपल और रूल, पॉलिसीज। अब लोग हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। पॉलिसी मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये जो प्रिंसिपल और रूल सेट करते हैं उसी को ही पॉलिसी बोला जाता है, जो कि रिटिन डॉक्यूमेंट होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए ना कि ब्रॉड प्रिंसिपल और रूल्स टू गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर पॉलिसीज, जो कि और जैसे आदमी का नेचर रहता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर है। ये ऑर्गेनाइजेशन किस लाइन में सोचता है, वो रूल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है पॉलिसी, जो कि एक रिटिन डॉक्यूमेंट होता है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन का माइंड सेटअप, उसका क्या प्रस्पेक्टिव है, वो समझ में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर है पॉलिसीज, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मैनेजमेंट फंक्शन फोकसेस ऑन अचीविंग टीम स्पिरिट एंड यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द सबॉर्डिनेट्स फॉर अचीविंग द कॉमन गोल। क्या है ये? व्हिच मैनेजमेंट फंक्शन फोकसेस ऑन अचीविंग टीम स्पिरिट एंड यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द सबॉर्डिनेट्स फॉर अचीविंग द कॉमन गोल। क्या? अभी अभी हम लोग डिस्कस किए उसको, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, अभी तो हम डिस्कस किए थे ना। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? अचीविंग टीम स्पिरिट, बोले ना अभी लोग, हम लोग डिस्कस किए। अचीविंग मतलब एक टीम एक्शन, यानी कि जैसे सब टीम एक ही लाइन में सोचेंगे, एक ही ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचेंगे, ये इसके ऊपर कौन सा एक्शन फोकस करता है, कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल या मैनेजमेंट फंक्शन फोकस करता है, ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन का ये एक्चुअली एम है कि सबॉर्डिनेट्स को एक कॉमन गोल के तरफ खींच के लाना, उनका माइंडसेट, उनको एक यूनिटी दिलाना, सबका जैसे कॉमन गोल अचीव करने के लिए माइंडसेट रहेगा, ये होता है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स इन स्टॉर्म डैश। ये तो पूरा सिंपल क्वेश्चन है, जो बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो ये तुरंत आंसर दे देंगे। विजुअलाइजिंग क्या? फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टिव स्टॉर्म डैश फोरकास्टिंग, अभी अब डिस्कस किए ना। फोरकास्टिंग मतलब क्या है कि विजुअलाइजिंग, जो मैं साबुन का एग्जांपल दे रहा था कि बाद में क्या हो सकता है, साबुन तो हमेशा चलेगा नहीं, जो हाथ धोने वाला साबुन जो एग्जांपल दे रहा था वो क्या है, फोरकास्टिंग का एक पार्ट है। ठीक है, फोरकास्टिंग का मतलब ही वही है, विजुअलाइजिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर डेलीगेशन एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट कम्स अंडर व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन में पावर डेलीगेशन एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट होता है, किस स्टेज में, जो जितना भी हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग डिस्कस किए, उसमें स्टाफ रिक्रूटमेंट किस स्टेज में होता है? पावर डेलीगेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ये सब ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में डिस्कस किए थे ना, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट है।
पावर डेलीगेट करना, स्टाफ रिक्रूटमेंट करना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन। पूरा थियोरिटिकली हम लोग फंडामेंटल लेवल में इसको डिस्कस किए और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि माइंड मैनेजमेंट के ऊपर आपका ध्यान अभी सेंटर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ